हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम कैरेट फ्राइड राइस। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये टिफ़िन के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच जो है वो तेल के लेंगे। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और या फिर इसकी जगह पे घी भी ले सकते हैं। तो देखिए, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक डालेंगे तो इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है फ्राइड राइस के अंदर। आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बड़ा कप जो है वो चॉप्ड कैरेट्स डाल रही हूँ। मैंने इसको डाइस करा है, आप चाहे तो किसी भी शेप में काट सकते हैं। और इसको अब हम थोड़ा सा पका लेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड रह जाती हैं, तो इसलिए मैं इसको पहले ही थोड़ा सा भून लूँगी। और इसके साथ साथ अब इसके अंदर हम 1.5 कप जो है वो मशरूम जो है कटा हुआ मशरूम डालेंगे। मैंने इसको सिर्फ 2 या 3 पीसेस में ही काटा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो देखिए, इसको अब हमें अच्छी तरह से स्टर फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, तो ताकि हमारा मशरूम जो है वो थोड़ा सा पक जाए। तब तक हम इसको लगातार बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो देखिए, इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। उसके साथ साथ हम इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। और इसके अंदर मैं बहुत सारी सॉसेस नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ सोया सॉस ही डाल रही हूँ। 2 चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे। आप चाहें तो चिली सॉस भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पिंच ऑफ जो है हम चीनी डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ये हो जाएगा तो हम इसके अंदर हमारे चावल डाल देंगे। 2 कप मैंने चावल लिए हैं यहाँ पर। आप एक दिन पहले बना हुआ चावल भी ले सकते हैं या बॉयल्ड राइस भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अगर आपको थोड़ा सा कच्चा सा लग रहा है चावल, तो आप थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढककर पका सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो देखिए, हमारे राइस जो है वो बन के तैयार हो गए हैं। आप इसको बच्चों को सर्व करें, आई एम श्योर कि उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है और बहुत फ्रीक्वेंटली बनाया जाता है, और बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीका है बच्चों को मशरूम और काचा खिलाने का। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।